फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि आटे का हलवा बनके रेडी होएगा। इसके लिए मैंने टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी ली है। यहाँ एक कटोरी चीनी लेना है। मैंने चीनी को एक कटोरी से थोड़ा सा 2-3 चम्मच इसमें से निकाल लिया है। आटे का हलवा बनाने के लिए पहले इसका शुगर सिरप बना के रेडी करेंगे। यहाँ 2 कप वाटर लेना है और 1 कप चीनी लेना है। एक पैन में 2 कप में पानी डालूँगी और 1 कप चीनी डालूंगी और शुगर सिरप बन के रेडी होएगा। मैंने एक पैन में पानी डाल दिया है 1 कप और 1 कप और डालूंगी मैं। ये 2 कप वाटर लिया है और चीनी भी मैं 1 कटोरी डालूंगी। इसमें 2-4 चम्मच मैंने निकाल ली है चीनी। अच्छे से मेल्ट होने देंगे चीनी को। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। शुगर सिरप बनके रेडी होता है। तब तक पैन में घी रखा है मैंने। मैंने 1 कटोरी घी रखा है। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार रख सकते हो। अब मैं इसमें आटा ऐड कर रही हूँ। ये 1 कटोरी आटा लिया है। ये घी में डालूँगी मैं। ये आटा ऐड कर रही हूँ मैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और गोल्डन ब्राउन होएगा तब तक इसको अच्छे से घी में सेकेंगे। इसका बिल्कुल कलर अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये शुगर सिरप बन के रेडी हो गया। अब इसको अच्छे से सेक रहे हैं। इसकी सिकाई अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ये कच्चापन लगेगा और टेस्ट नहीं आएगा। अभी इसमें थोड़ा टाइम बाकी है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, पर बहुत अच्छा बन के रेडी होएगा। ये काजू को अच्छे से काट लिया है। ये भी इसमें ऐड करेंगे और इलायची, 4 से 5 इलायची को मैंने अच्छा बारीक कूट के तैयार कर लिया है। इसकी सिकाई भी अच्छे से हो गई है। करीब करीब बहुत अच्छे से सिकाई हो गई है इसकी। 5 मिनट और चलाएंगे इसी। अच्छा से सेकेंगे इसको 5 मिनट के लिए। और इसकी सिकाई बहुत अच्छे से हो गई है। इसकी सिकाई आपको दिख रही होगी। ये इस कैमरे में सही नहीं दिख रहा है अभी। बाकी इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। अब अच्छे से दिख रहा है और ये गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। इसकी सिकाई बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसमें वो शुगर सिरप जो बनाया था वो ऐड करेंगे। इसको अब मैं ऐड कर रही हूँ शुगर सिरप को। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अच्छे से मिक्स किया इसमें। अब इसमें मैं काजू ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करूँगी इसको भी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका बहुत ही अच्छा बादामी कलर आया है। अब इसमें 4 से 5 इलायची मैंने कूट रखी थी वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इलायची पाउडर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होएगा ये। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। गैस को बंद कर दिया है मैंने। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हलवा बन के रेडी हो गया। बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।